जेजेपी में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। अजय चौटाला के बयान पर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली का बयान आया है, कहा कि अजय चौटाला अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमने पार्टी में सेवा की है, बोझ हम नहीं बल्कि ये लोग हैं, इन लोगों की वजह से सभी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये तमाम आरोप लगाए जेजेपी नेता पर, डॉक्टर अजय चौटाला पर। कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री से फोन पर बात करेंगे और कहेंगे कि वो अपने पिता का इलाज करवाएं, अब उन्हें अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। इससे पहले डॉक्टर अजय चौटाला ने देवेंद्र बबली को पार्टी पर बोझ कहा था कि ना वो काम कर रहे हैं और ना ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया और उसमें कहा कि जो विधायक हैं उनके देवेंद्र बबली, खासतौर से उनके लिए कहा कि वो पार्टी पर बोझ हैं। इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र बबली जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, जो जेजेपी पार्टी के मुखिया हैं अजय चौटाला जी, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी पर बोझ हैं। देखिएगा, ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कि कौन किस पर बोझ है। हम वो लोग थे जो जनता की पसंद थे और जनता के बीच में एक जनसेवक के रूप में हमने विधायक के तौर पर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई। बतौर मंत्री जो जिम्मेवारी कैबिनेट में मिली उसको ईमानदारी से निभाया, अपने गांव देहात को आगे बढ़ाने में पुरजोर ताकत लगाई, अपने हलके को हम आगे लेकर गए और एक सच्ची और सुची अच्छी ईमानदारी इरादी हमने की है। ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैं दोषन से भी बात करूंगा, भाई इनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो भाषा की गरिमा हमेशा आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। आज पूरा का पूरा कैडर पार्टी का खत्म हो गया, पार्टी का प्रधान से लेके सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे आज सब छोड़कर चले गए। आप इस पार्टी में रहे हैं, आप विधायक बने, क्या वजह है कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं? वो उनका व्यवहार था, उनकी जो कार्यशैली थी सत्ता में आए सिर्फ और सत्ता सुख के अलावा, और हमारे यहाँ एक कहावत है ना, डिम्मक और घुण की तरह चाटने के अलावा क्या किया प्रदेश को। आज मेरे मुंह से आप सारी बातें मत उगलवाइए, मर्यादाएं हैं। पार्टी में जब गए थे परिस्थितियां अलग थी, हम तो कहीं और काम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम जो भी सिचुएशन बनी, समय की कई बार इधर से उधर समय इकट्ठा कर देता है, और बहुत मान सम्मान के साथ अपने बुजुर्गों का नाम लेकर हमें साथ जोड़ने का काम किया था दुष्यंत ने, और हमने 10 सीटें लेके आने का काम किया। ये सीटें कोई जेजेपी की सीटें नहीं थी, ये सीटें थी उस हर विधायक की जिसने वहाँ जनता की वो पसंद था और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई थी, और उसी कारण ये 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को मिली थी। और एक पार्टी एक खड़ी हुई और लोगों को लगा था कि प्रदेश हित का कार्य होगा, लेकिन आज आपके सामने है एक भी पदाधिकारी, मुझे बता दीजिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में हर रोज झड़ी लगी हुई है, हर रोज। आज बबली तो है कम से कम पार्टी में तो है, कितने फोन करते हो आप लोग, कितनी बार आपने जिम्मेवारियां दी, आप चार आदमियों की प्राइवेट कंपनी बना के अपने फैसले ले जाकर आप सब पे ठोपोगे, कौन अपने फैसले ठुकवाएगा? विचारों का आदान प्रदान हो, फिर उसमें पार्टी हित के लिए फैसले लिए जाए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से जो विधायक जीत कर आए थे, जो 10 विधायक थे जेजेपी के, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ चौटाला परिवार के अलावा किसी विधायक से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया? कल उनके वहां जो विचार से नाना जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है तो वहां कौन थे? बाबू, बेटा, माँ और दूसरा वो नवाब, ये तीन चार तो लोग थे, एक भी विधायक था इनके साथ 10 में से? कोई पार्टी का पदाधिकारी था? कौन था बताइए आप, सिवाय इन तीन या चार परिवार के सदस्यों के अलावा कौन था? तो मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा था, और जैसा जैसा ये बोलेंगे वैसा तो कहीं हमें जवाब तो देना पड़ेगा। बनाए थे हमारे टोहाने की जनता ने, जनता के आशीर्वाद के, टोहाने की जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा हूं और सम्मान के साथ गया था। अब हम हमारे लोगों से रायशुमारी करेंगे, हमारे जितने भी बूथ कमेटियां हैं, हमारे जितने सक्रिय साथी हैं, हमारी जो टीम बनी हुई है, हमारी कोर टीम है, सबसे मैं राय मशवरा करके और उसके बाद ही हम आने वाले समय में, आने वाले 15 तारीख के आसपास हम ये फैसला लेंगे कि हमें आने वाले किस दिशा में हमने बढ़ना है। बिल्कुल, ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अजय चौटाला ने जो भी बयान दिया है वो एक तरह से निंदनीय है, और ये भी कह रहे हैं वो साफ तौर पर कि वो दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे कि अजय चौटाला का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। अब आपको डॉक्टर अजय चौटाला का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद देवेंद्र बबली उन पर इतना ज्यादा भड़क गए। देवेंद्र बबली की बात करी आपने, उन्होंने तो पार्टी भी नहीं छोड़ी है और साथ भी नजर पार्टी भी नहीं छोड़ी है, पार्टी में काम भी नहीं कर रहे, फिर कारण क्या है? अब तो उनसे पूछो ना, नहीं आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी अपने तो आप मैं तो आपको मैं तो कह ही रहा हूँ,
जो आज पार्टी में इस वक्त काम नहीं कर रहे वो पार्टी के लिए तो बोझ है। आज तो समय है कि ऐसे समय में पार्टी के लिए काम करें। अगर वो पार्टी में है और पार्टी की वजह से विधायक बने, इतने वोटों से जीते, तो उनका काम है कि वो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी उन पर। पार्टी अगर वो पार्टी के खिलाफ जा करके किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, जैसे कल जोगीराम सिहाग ने एक फैसला किया है कि मैं रणजीत सिंह की सपोर्ट करूंगा, तो हम उस खबर गुरुग्राम से जहां कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने पर कैप्टन अजय यादव ने बड़ा खुलासा किया है, कहा कि कोई तो था पीएसी में और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरे खिलाफ ही नहीं बल्कि हरियाणा के चार नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। आलाकमान को मैंने कहा था कि चुनाव लड़ूंगा, झूठ फैलाया जा रहा है कि मैंने मना किया था। राज बब्बर को लेकर कहा कि राज बब्बर को फंसाया गया है, गुरुग्राम से लोकसभा का टिकट दिया है राज बब्बर को कांग्रेस ने। इस पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राज बब्बर को यहां लाकर फंसाया गया है, लेकिन मैं पार्टी हित में साथ दूंगा। राज बब्बर को वचन दिया है, यदुवंशी होने के नाते वचन नहीं तोड़ूंगा। पार्टी पर भरोसा था इसलिए लालू यादव को टिकट का नहीं बोला, वरना तो बिहार में दो टिकट फालतू दिलाकर अपनी टिकट भी ली जा सकती थी। मैं राजनीति में रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करता और एक बार फिर कहा कि राज बब्बर का साथ देंगे। कैप्टन साहब, टिकट की घोषणा होने के बाद लगातार आप लोगों के बीच में नहीं थे, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे आपको लेकर के। समय होता है जब आप इतनी मेहनत करें, आपने पिछले 2019 से पहले 800 गांव किए थे, अभी 400 गांव कर लिए थे, और जब टिकट ना मिले तो मैं तो इंसान हूँ, दुख तो होता ही है। लेकिन राज बब्बर जी स्वयं घर आए थे हमारे और मेरे बेटे ने वचन दे दिया, तो हमारा तो ये यदुवंशी है, हम तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब आपको टिकट नहीं मिली उसके बाद आपने एक ट्वीट किया था कि जो आला कमान है उसका निर्णय सर माथे पर, लेकिन कुछ लोग जो है साजिश कर रहे हैं। देखिए साहब, उसमें कौन लोग हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, चाहे पीसी में रहे हों, जो भी हैं, उनने जो भी फैसला किया है उसमें मेरा ही नहीं, कम से कम चार बड़े नेताओं का जो है साथ उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से उनका जो है नुकसान किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो जब पार्टी हाईकमान उस पर जब ठप्पा लगा देती है तो सर्वमान्य होता है, लेकिन मैं समझता हूँ ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ न्याय जरूर मिलेगा मुझे। अब जब राज बब्बर आ गए हैं तो क्या गिले शिकवे दूर हो गए हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के? नहीं, मेरा इनसे कोई गिला शिकवा था ही नहीं, अच्छे इंसान हैं। अब किसी भ्रम में आ गए या किसी के जाल में आ गए, तो आप देखें जब बकड़ी कोई जाल बनाती है तो लोग उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि इनके साथ बेइंसाफी हो। मैं चाहता था कि अगर यहाँ आए हैं और बाहर से आए हैं, आज जो है ऑफिस तक नहीं खुला है गुड़गांव में ऑफिस तक नहीं खुला है। मैंने कहा कि आज अपने कार्यकर्ताओं को हम मोटिवेट करें कि भी हमने काम करना है। हमने जो है रेवाड़ी में जो है कल प्रोग्राम है जिसमें चिरंजीव साथ रहेगा, कल वो शायद नू में भी जा रहे हैं, दिन में शाम के टाइम मेरे यहाँ कार्यक्रम है। तो मेरा ये कहना है कि इनको जो है एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो है एक सिपाही के रूप में अपने आप को कैप्टन अजय सिंह समझकर इनके साथ देंगे। आप क्या गुरुग्राम लोकसभा जो है इसके अंदर चुनाव प्रचार करेंगे, आप बाहर कहीं चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं? अभी करूंगा, यहाँ भी करूंगा। क्या लगता है आपको, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसमें ज़्यादा चली या फिर आला कमान की ज़्यादा चली? मैं किसी की नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अकेले वो नहीं है, और लोग भी मैं सारा दोष उन पर मंडूँ, वो भी ठीक नहीं है, चाहे वो हमारे आला नेता हों, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, उन लोगों ने जिस तरीके से पेश किया होगा मुझे पता नहीं है, कह दिया होगा कि जैसे बब्बर जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो पता नहीं क्या रखा होगा उन्होंने किस प्रकार से, वरना कोई मतलब नहीं था टिकट कटने का। आपको लगता है कि राज बब्बर जी को अंधेरे में रखा गया? लालू जी को अगर मैं बोलता दो टिकट फालतू हम बिहार में दे देते, सौदेबाजी हम मैं करता नहीं हूँ, अपना सीधा बात है, कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही रहेंगे, भ्रमित हम महराम है कि मेरी टिकट कभी कट नहीं सकती है। कैप्टन अजय सिंह यादव जिनका कहना है भले ही उन्हें टिकट ना मिली हो, लेकिन जो राहुल गांधी विजन लेकर चले हैं उसको लेकर के वो अब
आने वाले समय में राज बब्बर का न सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि उनके लिए वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा कि हरियाणा में नशा किसान आंदोलन की देन है। पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। पाकिस्तानी नशे के एजेंट एक साल सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे रहे। 2021 से पहले हरियाणा में बीड़ी, सिगरेट या शराब का नशा था। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन किसान आंदोलन पर एक बार फिर से रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। साफ शब्दों में कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में नशा पनपा है, किसान आंदोलन की देन है। हरियाणा में जो नशा बढ़ गया है, पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। किसान आंदोलन था, उससे हमने क्या मिला? एक साल तक जो पाकिस्तान के एजेंट पंजाब में नशा फैला रहे हैं, वो एजेंट एक साल तक सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर आके बैठ गए। आप सोचता है ना जब आदमी, तब उसको पता चलता है पहले क्या हालात है, अब क्या हालात है। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, बीड़ी, सिगरेट का, शराब का, तीसरा नशा नहीं। 2021 में जो किसान आंदोलन में एक साल तक जो बैठे रहे ना, वो बॉर्डर के ऊपर ये नशे के सौदागर, उसके बाद ये गुटकी, चिट्टा, नशे के इंजेक्शन सारे हरियाणा में आए। ये देन थी उस किसान आंदोलन की। आज हर गांव के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो खुद अपने नशों में इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। कांग्रेस की जो है ना, अब की बार 40 बार नहीं होनी है, 40% जाएगी। पूरे देश के अंदर रुझान है। अब वो कोई अमेठी को छोड़ के भाग रहा है, कोई वायनाड को छोड़ के भाग रहा है, अपने अपने क्षेत्र छोड़ रहे हैं। माँ जो है ना राजस्व, माँ आ गई राजस्थान से, बेटी कह रही है मैं तो चुनाव लड़ूंगी नहीं क्योंकि भविष्य दिखाई नहीं देता। एक थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए अब वो बरेली से उसका फार्म भरवाया है पप्पू का। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नामांकन करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पूर्व सीएम मनोहर लाल सचिवालय पहुंचे और सीएम राज सिंह सैनी ने भी आज अपना नामांकन किया। तो बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 31 साल के युवा से आपका मुकाबला है, इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुकाबला जिनसे है वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, किसी का बेटा ईडी में फंसा है, कोई भगोड़ा है। मनोहर लाल यहां आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर अपराध की दुनिया को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। तो सीएम राज सिंह सैनी ने बड़ी जीत का दावा किया। 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताए, ना आप बताए। अगर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट है सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटे इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं, देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे। दुष्यंत की जांच के सवाल पर अजय चौटाला ने फिर पलटवार किया है। कहा कि रोका किसने है, फाइल उनके पास है, बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। हिसार में चौटाला परिवार आमने सामने है। इस सवाल पर
कहा कि परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, ये प्रजातंत्र है। अजय चौटाला और रवि चौटाला भी पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें कोई नई बात नहीं कि एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने होगा।